नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि CIF क्या होता है, इसका फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट्स दिख रही है, तो यहाँ पर आपको डेट भर देनी है, आज की जो भी डेट है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का नाम आ जाएगा, जो भी कस्टमर का नाम है। उसके बाद जो आपके अकाउंट से जुड़े हुए नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है आपको। उसके बाद आपके अकाउंट नंबर, उसके बाद आपकी जो भी ब्रांच है वो यहाँ पर लिख देना है आपको। आपको यहाँ पर आ जाना है अदर अकाउंट CPF मॉडिफिकेशन। तो आपको पहले यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक करना है और आपको इन दोनों की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर बोथ पे क्लिक करना है। और उसके बाद जिसको भी आप अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो उसकी ब्रांच का यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर उस ब्रांच के कोड नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर साइन कर देना है, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको। साइन करने के बाद आपको ये आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, ये अपने फॉर्म के पीछे लगा देना है। तो होप यू गाइस मेरा फॉर्म बनना आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। थैंक यू सो